गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ओके ठीक चलिए, सभी बच्चे आ जाएं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। देखिए बेटा, आज के लेक्चर में क्या करना है, जो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे ना बेटा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, जस्ट सेकंड। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर एफ है ना, पेज नंबर भी बता दूं, जस्ट अ सेकेंड, पेज नंबर 51। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, 11। बेटा यहां पर आपको कुछ नंबर्स दे के रखे हैं, ओके, तो इन नंबर्स को आपको क्या करना है बेटा, चेक करना है। मतलब एक जो नंबर देके रखा है ना, जैसे 120 लिखा है, क्या लिखा है बेटा 120, क्या लिखा है बेटा 120। अब 120 को बेटा आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 5 से हो रहा है या नहीं, 7 से हो रहा है या नहीं, 11 से हो रहा है या नहीं। इतने नंबर से आपको क्या करना है बेटा, चेक करना है। समझ में आई बात है ना, तो इनको आपको डिवाइड नहीं करना है कि आप ऐसे लिख रहे हो 120 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 2 से। बेटा ऐसे नहीं करना है, ठीक है, याद रखना ऐसे नहीं करना है। आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 4, 6, 8 आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल है। समझ में आया, ऐसे ही आपको क्या करना है, चेक करना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आप सारे डिविजिबिलिटी रूल लगा के, मतलब इन 5 नंबर के डिविजिबिलिटी रूल आपको लगाना है हर एक नंबर, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4, 6, 8, 15, 20। तो बेटा इसमें आप क्या करिएगा, 4, 6, 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, अभी 15 और 20 से मत कीजिएगा, ठीक है। 15 और 20 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आप करिएगा। समझ में आया बेटा, ठीक है। समझ में आया, तो आप इस क्वेश्चन में भी सेम करना है, किसके किससे चेक करना है बेटा, 4 से चेक करना है, 6 से और 8 से। समझ में आया। देन आफ्टर बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर एच की, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच में बेटा क्या करना है आपको, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इसको जस्टिफाई करना है। क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ओके बेटा। अब देखिए जस्टिफाई में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, है ना, जस्टिफाई में बेटा क्या करना है आपको, जैसे ही पहला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर ए, 346 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। आपसे क्या बोला गया है बेटा कि जो 346 है ना, वो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। तो इसने जो आपसे कहा, क्या वो सही है, आपको इसे बताना है। देखिए, क्या 346 2 से डिविजिबल है, तो हाँ है, क्योंकि लास्ट में 6 है। क्या 346 4 से डिविजिबल है, क्या
देख लीजिए करके, 3, 4, 6। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो नहीं है, मतलब इसने जो आपसे स्टेटमेंट कहा वो क्या है, सही है। अब आपको इसे क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप इसको डिवाइड करके बता दो, जैसे 3, 4, 6 तो डिवाइड करिएगा बेटा किससे, 2 से। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए बेटा, 0, है ना। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब इसने सही बोला, और फिर इसी नंबर को डिवाइड करेगा 4 से। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तब भी क्या कहा इसने, सही कहा। समझ में आई बेटा बात, है ना, क्योंकि इसने बोला ना 4 से डिविजिबल नहीं और 2 से डिविजिबल है, बस आपको इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट देख रखा है उसको वेरीफाई करना है। 74 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3, इसको भी करके देखिएगा, है ना। तो ऐसे ही आज आपको होमवर्क में क्या मिल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन नंबर G, क्वेश्चन नंबर H, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना, मतलब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले। समझ में आया, आपको फैक्टर्स निकालना तो आता है लेकिन प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालें। ओके, चलिए समझ में आई बात। तो बेटा आज के लेक्चर में बस आपको मुझे होमवर्क डिलीवर करना था कि आपको होमवर्क में करना क्या है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा, उसमें जो डाउट आए वो हम लोग कल क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ओके, समझ में आया सभी को? हाँ बेटा सर, रफ कॉपी में करना है। हाँ बेटा, रफ कॉपी में करना है। ओके, और कुछ, एनीथिंग एल्स? हाँ बेटा, बोलिए आस्था। सर ये मतलब ये कॉपी में करना है? हाँ बेटा, रफ कॉपी में सॉल्व करना है ना, रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में। चलिए तो हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, चलिए बाय बाय, होमवर्क कर लीजिएगा ध्यान से।